hello everyone and welcome back how are you all i hope you all are fine and safe today we are going to start our third book that is chapter first of geography the earth in the solar system how wonderful it is to watch the sky after sunset one would first notice one or two bright dots shining in the sky soon you would see the number increasing you cannot count them anymore the whole sky is filled with tiny shining objects some are bright others are dim and they all are appear to be twinkling and these are स्टार्स नाव वी टॉक अबाउट फुल मून नाइट और पूर्णिमा नाउ वॉट इज़ फुल मून नाइट यू कैन सी द फुल मून नाइट ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम एक ऐसा मून जो आपको मंथ में सिर्फ एक दिन दिखाई देता है और वो भी पूरा मून दिखाई देता है उस फुल मून को बोला जाता है पूर्णिमा नाउ वी टॉक अबाउट न्यू मून नाइट न्यू मून नाइट क्या होता है अफू अफोर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल इट इज़ अ फुल मून नाइट और अमावस्या एक ऐसी नाइट जहाँ पर आपको कोई मून दिखाई नहीं देता है ठीक है उस नाइट को क्या बोला जाता है फुल न्यू मून नाइट और अमावस्या नाउ वी विल टॉक अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स मून सन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज दे गिव्स हीट एंड लाइट Now we will talk about the stars. Stars are the bright glowing lights which are countless in numbers and have their own heat and light. In the night sky, some stars twinkle and some just glow. Some stars have bright light and some have dim light. Stars have different sizes and shapes. वट दे आर टॉकिंग अबाउट स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ग्लोइंग करते हैं और वो क्या होते हैं काउंटलेस यू कैन नॉट काउंट दट एंड दे गिव्स अस हीट एंड लाइट और कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्विंकल करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो जो सिर्फ ग्लो करते हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट साइज एंड शेप्स दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड इमेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन द स्काई ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक डिफरेंट पैटर्न दीज पैटर्न आर नोन एज कॉन्स्टीलेन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टीलेन कॉन्स्टीलेशन क्या होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स मेकिंग अ पैटर्न आपको अलग अलग स्टार्स दिखाई दे रहे हैं वो सब स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं लाइक विच हैव बीन सर्कल्ड आप सर्कल में देख रहे हैं आपको कुछ लाइन्स बनी हुई हैं तो ग्रुप अलग अलग ग्रुप के जो स्टार्स हैं वो अपनी एक इमेज बना रहे हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन इसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं और सेवन स्मॉल बीयर और सप्त ऋषि या सप्त सेवन या ऋषि सागास भी बोला जाता है दिस इज़ अ इमेज ऑफ़ स्मॉल बियर और सप्त ऋषि नाउ वी टॉक अबाउट उसा मेजर उड़सा मेजर और बिग मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन उशा मेजर भी एक कॉन्स्टिलेशन होता है नाउ वी टॉक अबाउट पोल स्टार इन एशियन टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन इट इज कॉल्ड द पोल स्टार देखो आपको नॉर्थ साइड में एक स्टार्स दिखाई दे रहे हैं और उससे जुड़ती हुई लाइन जो कनेक्ट होती हुई लाइन आपको एक सीधे स्टार पर लेके जा रही है वो क्या है दैट इज कॉल्ड पोल स्टार नाउ वी टॉक अबाउट द प्लैनेट्स प्लैनेट्स रिफ्लेक्शन लाइट दैट इज incident on them they have no light of their own so they don't twinkle like the stars and that is called wandering star as well what they are saying some celestial bodies they do not have their own heat and light दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार कुछ ऐसी सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती हैं दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार वो स्टार की हेल्प से ही लिड करते हैं सम बॉडी सम बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लानिट्स और ऐसी ही बॉडीज़ को क्या बोला जाता है प्लान बोला जाता है या फिर वांडरिंग स्टार्स बोला जाता है sun is the star closest to the earth now we talk about solar system the earth in the solar system सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन द स्टार्स एंड द मून एंड द प्लानिट दन द मून एंड अदर शाइनिंग ऑब्जिक्ट लाइक स्टार्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं ऐसी शाइनिंग ऑब्जिक्टो स्टार की तरह शाइन करती हैं दिज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक मून्स कॉमिट एस्ट्रॉय मेस्ट्रॉइड्स मैटर्स मैस्ट्राइड्स Now we talk about the sun. The sun is in the center of the solar system and made up of hot gases. It is the ultimate source of energy, that is, heat and light. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. The sun is the ultimate source of hoti heat or light hoti, but that tremendous heat is not felt.

now we talk about planet planet are large object in space which revolves on their longitude path orbit around the sun planets do not have their own heat and light they get heat and light from the sun heat or light from the sun the word planet come from the greek word planetai which means mandarus, the earth on which we live is a planet there are nine planets in solar system how many solar how many planets are there nine in order to their distance from the sun to sun say otherwise they have given like mercury venus earth mars jupiter saturn uranus neptune and pluto all the nine planets of the solar system move around the sun in fixed path. Now we talk about orbits. Orbit means all the eight planets of the solar system move around the sun in fixed path. That is called orbits see re till recently august 2006 plateau was considered a planet 2006 the Kyawa. hua Ose planet gaya however in a meeting of the international astronomical union a decision was taken that plateau like other celestial objects series 2003 ub डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लानट उसे क्या नाम दे दिया गया ड्राफ्ट प्लानट का सी दीज आर द लॉन्गेस्ट सॉरी लार्जेस्ट ड्राफ्ट प्लानिट प्लेटियो एरीज टू थाउजेंड सेवन ओ आर एस टेन ओ आर टेन ह्यूमे और मेक मेक नाउ वी टॉक अबाउट नाइन प्लानिट